सर मेरा पहला क्वेश्चन है, आप इतने फिट कैसे? सर मेरा बर्थडे जब जिसका बर्थडे होता है उसको रिटर्न गिफ्ट देनी पड़ती है। तो सर पहले गिफ्ट आता है फिर रिटर्न गिफ्ट जाता है ना? नहीं मैं उल्टा है, मेरा उल्टा है। मॉल्स भी मेरे, गोल्फ भी आते, जो मेरा असिस्टेंट है वो भी मेरे ट्रेनर को ले लिया, उसको भी पैसे नहीं दिए। सबसे लेट कौन आता था सेट पर? आदित्य रॉय कपूर। आदित्य को प्यार हो गया था आदित्य रॉय कपूर से। हाय एवरीवन, आई एम धारणा एंड टुडे आई एम विद मिस्टर अनिल कपूर एंड संदीप मोदी सर एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड सीजन 2 ऑफ द नाइट मैनेजर। और धारणा जी और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? सर बहुत बढ़िया चल रहा है और कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। अच्छा। हाँ तो मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ। अच्छा। तो अभी इट्स गोइंग गुड और अच्छा। आप लोगों को मिली हूँ आज तो सोने पे सुहागा हो गया अब तो। पक्का पक्का। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, आप इतने फिट कैसे? How do you know this? मैं टेलीपैथी है ना, मेरे को मुझे पता चल जाता कि ये पूछने वाले, आपके जहन में चला था ना मैं फिट कैसे हूँ। मैं फिट इसलिए हूँ क्योंकि यू नो मैं सही वक्त पर सोता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और सही सोचता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ एंड खाने पीने पे थोड़ा सा कंट्रोल है और ये सब चीज़ें करता हूँ और जब और मज़े भी करता हूँ, क्यों मज़ा करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कि आप सिर्फ ये चीज़ कर रहे हैं, आप भूख हड़ताल कर रहे हैं और खाना पीना नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत बात है। सो यू नो इन क्या बोलते हैं उसको, मॉडरेशन में मैंने हर चीज़ की है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर ये करता रहूँ। कुछ लोग होते हैं सिर्फ ऐश करते हैं, फिर 40 साल के बाद मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, 50 के बाद ये प्रॉब्लम, 60 के बाद वो प्रॉब्लम है, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो फिर आप 80-90 तक सब चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल गलत आंसर है इनका। आई विल टेल यू जेन्युइनली, इनका एक अलग मॉडस ऑपरेंडी है। आप कभी भी सर के घर जाएंगे ना, आपको खाना खिलाए बिना वो छोड़ेंगे नहीं और ऐसे परोसा जाएगा, मतलब बेस्ट दाल इन द हाउस, बेस्ट सब्जी इन द हाउस, एवरीथिंग इज बेस्ट। और आपने जैसे ही आपने पूरी थाली अपनी परोस दी, चलो आज का मतलब तीन टाइप का आपने खाना एक साथ ले लिया, फिर आप देखेंगे एक ही सर का एक छोटा सा प्लेट आएगा उसमें उतनी छोटी स्ट्रेटजी है। हाँ, अब आपने खा लिया, आपने शुरू कर दिया, आप देख रहे हो कि अच्छा मतलब ये सिर्फ हम लोग। हाँ, वो मेरा क्या होता है, मेरे फिक्स कैलरीज है, करेक्ट ना, फिर मैं दूसरों की कैलरी से खाता हूँ वो मेरे को यू नो टू सडन देन आई डोंट काउंट दैट एज माय कैलरीज। तो मैं खुद का भी खाना खाता हूँ और दूसरों के प्लेट से भी थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। ये प्लान भी हो सकता है सर, ये प्लान नहीं, ये मेरी आदत है कि कोई घर पे आए उनको ज्यादा खिलाओ और मैं अपना मेंटेन रखूं। मैं ज्यादा भी खिलाता हूँ और खुद भी खाता हूँ, ये ऑनेस्ट विद यू, बट मैं ज्यादा जिस दिन खाता हूँ फिर उस दिन एक्सरसाइज ज्यादा करता हूँ, तो आई थिंक इट्स जस्ट आई कीप अ बैलेंस। क्योंकि सर जब मैं मम्मी के पेट में थी, मैं बाहर आई, अब मैं 22 साल की हूँ, मैं देख रही हूँ आप सेम ही हो, तो मतलब मेरे से पर्सनली डाइट नहीं हो पाती है, तो अब पता लग गया आपका आइडिया, तो मैं भी ट्राई करूंगी कि फॉलो करूं। नहीं नहीं एब्सोल्युटली बैलेंस, बैलेंस मॉडरेशन, बैलेंस इज दैट्स द की। सो सर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि शो के टाइम पे बेस्ट मेमोरीज और वो सब तो होते ही हैं, पर मैं आपसे चैलेंजेस पूछना चाहूंगी कि क्या आए व्हाइल शूटिंग, कुछ ऐसा आपको याद हो कि ये बहुत वहाँ पे मैं फंस गया था या यहाँ पे मुझे लगा अब क्या करना चाहिए, कोई एक ऐसा चैलेंज जो आपको लगा हो? एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज था गोल्फ के बॉल्स का। ओके। तो एक सीन था, हमने तो राइटर्स ने तो हम तो क्या है बॉम्बे के कमरे में बैठ के इमेजिनेशन जितना वाइल्ड हो सकता है लिखते हैं। हमने लिखा कि अनिल सर का कैरेक्टर है शेली, वो कुछ अपना कर रहा होगा, कोई एक्सरसाइज कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा और शान जो आदित्य प्ले करते हैं वो आएगा, उनको परमिशन मांगे कि मुझे आपके बेटे को ले जाना है मार्केट। सिंपल सा सीन था पर मैं भूल गया कि आई एम वर्किंग विथ अनिल कपूर साहब। तो दो दिन पहले हम लोग श्रीलंका में हैं कहीं, एक आउट ऑफ मतलब जहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, ऐसे अलग जगह पे हम शूट कर रहे हैं और अनिल सर कहते हैं संदीप ये सीन में एक्सरसाइज बहुत बोरिंग लगा, कुछ और करें, तो मतलब सर कोई सजेशन, गोल्फ करें तो इट्स अ ब्रिलियंट थिंग, और मतलब गोल्फ ऐसा करेंगे कि एक डेक है वहाँ उनके उनके विला में, मतलब मैं यहाँ से गोल्फ, रिच रिच कैरेक्टर है तो मैं ऐसे स्विंग करूँगा बॉल पानी में चला जाएगा, मतलब ब्रिलियंट है यार, मतलब ये विजुअल तो सोचो, मतलब यहाँ से मैं ड्रोन उड़ाऊँगा, ये करूँगा मतलब ज़बरदस्त है सर। प्रोडक्शन को बोल दिया कि ये सीन कर रहे हैं, सर ने बोला मैं मतलब गोल्फ किट बोला मैं अरेंज करता हूँ, सर ने कहीं से फ़ोन लगाया है, सब चल रहा था दो दिन से सर का अपना प्रोडक्शन चल रहा था कि अब आइडिया तो सर ने दे दिया है, उन्हें प्रोवाइड तो करना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी हाँ बोल दिया। अब दिक्कत आई कि प्रोडक्शन को उस टाइम पे जहाँ भी हम शूट कर रहे थे गोल्फ बॉल मिले 8। अब मैंने बोला शॉट ही है कि स्विंग करना है और जाना है दूर जाना है, तो मेरे 3-4 शॉट तो हो गए, अब बचे हैं 4। तो नॉर्मली एक डायरेक्टर सोचता है कि
ओके शॉट कैसे ले, मैं सोच रहा हूँ चार ऐसा चार गोलियां ऐसे चार बॉल बचे कितने शॉट लेना है, बोला सर इस बार ना सिर्फ क्लोजअप करते हैं नीचे बॉल नहीं आपस ऐसे स्विंग कीजिए, एंड सर इज लाइक संदीप वो फीलिंग कैसे आएगा जैसे भी बॉल, मतलब सर एक पिंग पोंग बॉल ढूंढे टेनिस बॉल ढूंढे क्या करे, इट वाज हिलेरियस वो सिचुएशन। सो आपने पूछा क्या चैलेंज था, मुझे अचानक आज ये गोल्फ बॉल याद आ गए। नहीं पर ये बात सही है कि कभी कभी क्या होता है कि जब छोटी चीज़ है कम होते हैं बॉल्स, मगर फॉर्चुनेटली फॉर अस पहला शॉट करेक्ट बैठ गया अरे यार और ऐसा ज़बरदस्त शॉट मिला तो मैंने यार ये तो करेक्ट हो गया कि इसको गोल्फ खेलना आता है चलिए पहला शॉट मिल गया। उसके बाद फिर रिटेक शुरू हो गए, फिर उन्होंने बोला फिर बॉल खत्म हो रहे, तो मैंने ठीक है, फिर इन्होंने बोला ठीक है डायरेक्टर हैं तो ऑब्वियसली यू नो इनको चीटिंग कैसे करते समझ आया, तो कैमरा यहाँ तक रहा तो मैं बिना बॉल के शॉट मारा था, तो ऐसा था क्या खेलता है यार। और आपको ये भी होगा कि मैंने ही आइडिया दिया है। नहीं नहीं आइडिया भी मैंने दिया, गोल्फ किट भी मैं लाया, बॉल्स भी मैं लाया, सब चीज़ें मैं लेके आया तो अरे उसके पैसे भिजवा देना यार, बिल्कुल बिल पानी जो है वो बोलो कि गोल्फ गोल्फ किट का और बॉल्स के पैसे भेज दे मुझे। अच्छा फिर ये तो ठीक है, बॉल्स भी मेरे गोल्फ भी आते, जो मेरा असिस्टेंट है वो भी मेरे ट्रेनर को ले लिया, उसको भी पैसे नहीं दिए। तो आप देखना वो शो, वो ट्रेनर जो 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 असिस्टेंट है जो बॉल नीचे रखता है वो मेरा ट्रेनर है मार्क, उसको भी यूज़ किया और उसको भी नंगा खड़ा कर दिया, बोले इसकी बॉडी अच्छी है इसको नंगा खड़ा कर दो, तो वो पूरा बॉडी वॉडी बता रहा है, वो आता है बॉल करता है, डबिंग किसी और से कराई, वो ऐसा मत करना अनिल अनिल दैट्स नॉट माय वॉइस। सही है, वो भी फेमस हो गए साथ में। आप सिर्फ ये नहीं, आप देखेंगे एक कैरेक्टर है एंजेलो जो शो में, तो मेरी खासियत है कि क्या है, मैं बहुत ही कहूँगा तो बहुत इंडी फिल्म मेकर हूँ, तो बहुत कम रिसोर्सेज की आदत है, तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज समझ में ना क्या किया जाए, ऊपर से अनिल कपूर, अनिल कपूर हर चीज़ मिल रही है, तो काफ़ी बिगड़ा हुआ हाल था और मुझे समझ में ना कैसे शूट किया जाए। तो एक एक कैरेक्टर हमें मिल नहीं रहा था एंजेलो का, तो हमारे जो साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं जो हेडफोन लगा के कर रहे हो, तो बोला कि यात्रिक जी आप जरा एक सीखना है ये कैरेक्टर करेक्ट लगेगा एंजेलो, एक्टर नहीं हूँ, बोला अभी मार्क को हमने बना दिया वहाँ पे, आप क्यों नहीं बन सकते। जो उसका एक तो ये है कि उसका नाम है यात्रिक, और मेरे को याद नहीं रहा उसको पूरी पिक्चर में तांत्रिक बोलता था। कब से नाम है यात्रिक को? नहीं है यात्रिक, मगर आज तक जब तक मैं डबिंग में कर रहा हूँ उसको तांत्रिक ही बोलता हूँ, वो शूट करता है लगता भी तांत्रिक। अच्छा करेक्ट तांत्रिक। ओके सर, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं एज अ क्रिएटर जब किसी कैरेक्टर को सोचती हूँ कि मैं पोर्ट्रे करूँ, वेदर इट्स अ देसी आंटी या फिर कोई शॉपकीपर, तो मैं देखती हूँ कि मैं क्या उनको ऑब्जर्व कर सकती हूँ, कैसे वो एक तरीके से बात करेंगे, क्या उसका गेटअप होगा। तो सर शैली के कैरेक्टर के लिए क्या इंस्पिरेशन थी, आपने कैसे डिसाइड किया कि वो शैली ऐसे बात करेगा, ऐसे उसका एक स्टाइल होगा, क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था? वो बुक का डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, ही इज द सबसे बुरा आदमी पूरी दुनिया का, सबसे बुरा आदमी, सबसे बुरे आदमी को कहाँ से ढूंढूँ, कहाँ से लेकर आऊँ यार, किसके बारे में सोचूँ, उसको फ़ोन भी नहीं कर सकता यू नो, जिसको यू नो कि भैया मैं तेरे को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि तू सबसे बुरा आदमी है, ये भी कर नहीं सकता था, ये भी नहीं कर सकता था, जो मुझे लगता वो बुरा है, तो कहीं ना कहीं तो आई हैड टू कीप इट टू माई सेल्फ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं राइटिंग में, बुक्स में, कपड़ों में, आवाज़ में, और जिस तरह लिखत थी तो उस हिसाब से फिर हमने पूरी कोशिश की और प्रेजेंटेशन उसका किया, एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक आया। क्या लगता है? बहुत बढ़िया आया सर, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसी को कंटिन्यू करते हुए कि आपने हमेशा आइडियल सन, आइडियल सिटीजन, नायक में ऐसे कैरेक्टर्स किए, तो ये सबसे बुरा आदमी बनने के लिए आपको ऐसा लगा कि बहुत थोड़ा चैलेंजिंग है या फिर ये ज़्यादा आसान था? ये आसान अंदर की आवाज़ आ रही है आज आपके आपके शो में, इसी किसी से पूछो जो एक्टर जो भी एक्टर्स होते हैं उनको जब वो ऐसा रोल मिलता है ना जहाँ उनको एक कहीं कहीं ना कहीं अंदर की जो जो वो रियल लाइफ में नहीं कर सकते, जब उनको फिल्म में करने का मौका मिलता है तो इट्स काइंड ऑफ अ कैथारसिस, इट्स काइंड ऑफ यू नो मज़ा आता है यार। मैं लोगों के सामने, फैमिली के सामने, दोस्तों के सामने ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, सोसाइटी में नहीं कर सकता, दिल करता है उसको गोली मार दूँ, पर रियल लाइफ में कर नहीं सकते, यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ, एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब यहाँ रियल लाइफ में चलो फिल्म में करते हैं एक शांति मिलती है, चलो कर ये इसका मर्डर कर दो चलो। आप सर इमेजिन करते हैं किसी का फेस ऐसा करते हुए? हाँ आप इमेजिन करते हैं किसी का फेस? 100% सर किसका है? बहुत से मतलब ऐसा है, ठीक है, मतलब इमेजिन करना पड़ता है यार, ये भी तो पूछो ना यार कि कितनी अपना यू नो जो इस टाइप के किरदार होते हैं उसको यंग गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है। हाँ ये तो सर, आप शोभिता को यू नो आपने मेरे साथ पेयर किया, थैंक यू वेरी मच।
सर आपने जब बोला ना कि अंदर से जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते तो इन कैरेक्टर्स में, तो मैं समझ गई थी कि आप कहाँ बोल रहे हो। इससे ज्यादा पूछ रहे हो, ये इंटरव्यू आपके सब देखने वाले हैं, तो मेरे पोल मत खोलिए आप। नहीं नहीं पोल नहीं, पर ये आपके उससे मैं समझ गई थी कि आप कहाँ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा कि शैली का जो कैरेक्टर है बड़ा दिलदार टाइप का है, कि वो शान को अपनी जैकेट गिफ्ट कर रहा है और जब वो होटल में आ रहा है तो बोल रहा है कि यू नो उनका रिटायरमेंट गिफ्ट पहुँचा दो। तो क्या आप रियलिटी में भी, रियल लाइफ में भी इतने दिलदार हैं? अगर आप हैं तो सर मेरा बर्थडे आ रहा है 15 जुलाई को और अब क्या देना चाहिए मुझे? हाँ, सर मैं माइंड नहीं करूँगी अगर आप मुझे कुछ गिफ्ट दें। मैं पूछ रहा हूँ आप क्या देना चाहेंगे? सर मेरा बर्थडे जब जिसका बर्थडे होता है उसको रिटर्न गिफ्ट देनी पड़ती है। तो सर पहले गिफ्ट आता है फिर रिटर्न गिफ्ट जाता है ना? नहीं मैं उल्टा है, मेरा उल्टा है। मैं पहले रिटर्न गिफ्ट लेता हूँ बाद में गिफ्ट देता हूँ। शान का बर्थडे नहीं था? नहीं शान का बर्थडे नहीं था। ठीक है सर, तो अब एक फन गेम की तरफ बढ़ते हैं। जरूर। और गेम सुबह से मैंने कुछ खेला नहीं, सुबह बैडमिंटन खेला था, अभी आपके साथ गेम खेलते हैं। तो सर फन गेम ये है कि मैं कुछ आपको सिचुएशंस दूंगी और आपको बताना है कि सेट पर ऐसा कौन करता था, सबसे लेट कौन आता था सेट पर। सबसे लेट आदि आदि आदित्य राय नहीं आदित्य राय कपूर नहीं, ये वक्त पे थे, ये मैं और संदीप हमेशा वक्त पे होते थे और कभी कभार हम लोग रात को भी मिलते थे जब सब यू नो सब अपने अपने कमरे में चले जाते थे, फिर हम बैठकर थोड़ा सा डिस्कशन करते थे। कभी कभी सुबह सुबह आके कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा क्या बोलते हैं कैरेक्टर्स का कि काम बैठेगा कैसे करेंगे ये करेंगे। तो सर लेट आदित्य सर आते थे? लेट आदित्य रॉय कपूर, कभी कभी शोभिता को कपड़े पहनने में थोड़ा सा लेट हो जाते थे एंड बाकी सब मेरे ख्याल से सही वक्त पे आते थे। सबसे लेट सोता था शाश्वत, शाश्वत और रवि बैल, मगर वो आते थे टाइम पे। मैं पूछ भी था यार तुम लोग 2-3 बजे तुम लोग इतने जल्दी पहुंच कैसे जाते हैं? बोला यही तो खासियत है हमारे। तो सर आप पैकअप के बाद क्या करते थे? डिपेंड करता है, अगर सीन थोड़ा सा पेचीदा हो तो वो उस सीन को नहा धो के फिर सीन पर बैठ जाना और फिर या तो फिर थोड़ा सा वहाँ टेबल टेनिस भी था, वहाँ पूल टेबल भी था, तो डिपेंड करता था लोकेशन टू लोकेशन। तो जहाँ जो जो चीज़ें होती थी, कहीं स्विमिंग भी कर ली, वो कर लिया, फिर उसके बाद खाना खाया एंड खाना साथ में? नहीं साथ नहीं, नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा वो मेरे ख्याल से पैकअप के बाद रैपअप में हमने साथ में किया, क्योंकि क्या होता है शो में, फिल्म एक अलग चीज़ होती है, शो में इतनी लग्जरी नहीं होती है कि रोज़ बैठ के शाम को इकट्ठे हो रहे हैं वगैरह, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्लानिंग करनी पड़ती है स्पेशली फॉर द फिल्म डायरेक्टर एंड द इंटायर टीम, क्योंकि टाइम वक्त कम है, बजट कम है, बजट इसका ज़्यादा था मगर कंपेयर टू द इंटरनेशनल शो कम था। सर सबसे ज़्यादा रीटेक कौन लेता था? हाँ जी रीटेक हम सब करते थे, कभी मैं अटक गया तो मेरे रीटेक हो जाते, कभी आदित्य अटक गया तो उसके रीटेक हो गए, कभी बच्चे के ज़्यादा रीटेक हो गए, कभी शोभिता के रीटेक्स हो गए, कभी डायरेक्टर के रीटेक हो जाते थे, तो सबने रीटेक्स दिए हैं और सबने कभी कभी फर्स्ट टेक में भी ओके किया। आलस का पेड़ कौन है? ये शो में कोई भी नहीं था। बातचीत और हेयर मेकअप टचअप कराने वाला सबसे ज़्यादा? ये संदीप। संदीप संदीप मैं करवाता था, खुद का नहीं, मैं करवाता था खुद का नहीं, आदित्य रॉय कपूर का। और अनिल सर मुझे कहते नहीं, नहीं, थे। मेरा नहीं, मेरा नहीं। आदित्य रॉय कपूर के ये बाल भी ठीक करते थे, उनकी शर्ट फिर अपना इस्त्री करने भेजते थे। मैंने बोला यार ये पिच फिल्म नहीं है, ये शो है, अब तू इसकी इस्त्री करवाएगा, इसका कोट ठीक नहीं है, इसका शर्ट ठीक नहीं है, इसके बाल थोड़े से, तो ये आदित्य को प्यार हो गया था इनको आदित्य रॉय कपूर से। और सर सबसे ज्यादा हंसाने वाला सेट पे? आई वुड लाइक टू से अनिल सर, बट एक्चुअली हमारे पास एक बहुत ही इंटरनेशनल कॉमिक आर्टिस्ट है हमारे पास कॉल्ड बेन जैस्पर, इज अ स्टैंड अप कॉमिक, वो आर यूनिट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस वन, वो इतना हंसाते थे, ही वाज सो फनी। आई थिंक बोथ अनिल सर एंड ही वुड बी लाइक हाउस ऑन फायर एंड मी एंड शाश्वत आल्सो। वो क्या होता था कि वो कभी कभी डायलॉग थोड़ा सा, बंगाल के बहुत बड़े कलाकार हैं, यहाँ भी बहुत बड़े कलाकार हैं, तो थोड़ा सा वो स्लो बोलते हैं, मतलब तू ज़्यादा गैप पॉज देगा ना मैं तेरे डायलॉग खा जाऊँगा, यू नो वो बोल ऐसा और ऐसा हुआ, मैंने उससे मतलब मैं 4 डायलॉग डाल दूंगा तो बड़ा बड़ा डायलॉग बोल। और सर सबसे जल्दी पैकअप कौन करवाना चाहता था कि सेट पे बोले फटाफट करो? या संदीप साहब कभी सुबह 7 बजे कभी 8 बजे जल्दी पैकअप करते थे, शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तुम्हारे जल्दी जल्दी है सर, हाँ 7 बजे 8 बजे सुबह एक पैकअप। एक ही बंदा था जो पैकअप करना चाहता, वो तो प्रोड्यूसर, क्योंकि ना मैं रुकने वाला था ना एक्टर्स रुकने वाले थे, तो प्रोड्यूसर ही था कि अब हो गया आप लोग का, अब जाइए आप लोग गए। ठीक है सर,
चलिए, थैंक यू सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू राणा जी, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। मुझे लगता है जितने भी मेरे इंटरव्यू सबसे ज्यादा मजा आपके इंटरव्यू में आया। थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस यू एंड मे योर इंस्टाग्राम एंड योर शो बिकम द बिग सक्सेस।